हारे हुए भी बोली जांदे आ भी तुसी भरावो हार गए, हजे तक साल हो गए इन्हां नूं सुरत नहीं आई भी की हो गया रिजल्ट, कईयां नूं तां हजे रिजल्ट दसे भी नहीं होने घरदिआं ने कि कितें दिल नूं ना ला जाए, है ना। सो आ हाल है भाई, आ एक बड़ा झंडा जिहड़ा ना आ जिहड़ा झंडा भाई जी, हाँ हाँ थोड़ा तां हाँ वो पिछे दिखता नहीं, हाँ हुण जिहड़ा फैसला कीता मुल्क दे विच किसे सूबे च नहीं होया, पंजाब दे विच फैसला होया जिद्दें दा मैं अनाउंस कीता है, हजे लागू भी नहीं होया, 2 मई तो होगा। मैनू पूरे मुल्क चो बहुत मुख्यमंत्रियों के फोन आए ने जी सानू दस्यो फिर ये किवें रहा, असीं भी करना है कि गर्मी पऊगी, सरकारी दफ्तर सवेरे 7:30 बजे तो लैके दोपहर के 2 बजे तक चलणगे, ठंडे ठंडे नाले तुसी वेले नाले ठंडे ठंडे मुलाजम वेले, ते नाले बिजली बचूगी जी, 2 बजे तो बाद दफ्तर बंद हो जाणगे क्योंकि जिहड़े काम जे करने होण उह तां 2 बजे तो पहला पहला हो जाते ने, इस करके ये बिजली भी बचूगी, जवाकों नाल भी उन्हां दा टाइम वध लगेगा क्योंकि 2:30 बजे बच्चे आउंदे आ स्कूलां चों, 2:30 बजे मापे आ जाणगे दफ्तरां चों ते वध टाइम बच्चों नाल बिताउणगे। सो इस करके ये आइडिए जिहड़े ने ये तां आउंदे ने जे तुसीं साथ दिंदे हो। ओ मैं इत्थे जलंधर आया थोड़े दिन पहला, मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया, बटन दब के वह ऐ खुल गया कार्टन जा, फिर कहिंदे जी इत्थे खड़े खड़े आपां बस्ती दानशमंदा वाले स्कूल का भी उद्घाटन करना है, आ बटन दब दो जी, मैं वह बटन दबता स्कूल का खुल गया, उत्थे साडे MLA साहब खड़े सी, फिर कहिंदे जी सीवरेज का भी आपां कीता काम, उहदा भी इत्थों ही बटन दब दिओ जी, उत्थे दूजे MLA साहब खड़े है, मैं वह बटन दबता, 4 बटन दबते मैं, फिर मैं बोलते ने कहा, मैं क्या मैं 4 बटन क्यों दबे दबण के काबिल होया, क्योंकि तुसी पिछले साल 1 बटन दबिया सी झाड़ू वाला, तुसी 1 बटन दबिया सी, मैं रोज़ 4 दबदा हूँ विकास वाले, रोज़ 4 विकास वाले बटन दबदा मैं, तुसी ने मैनू उस बटन नू दबण के काबिल बनाया, तुसी इस करके आना इन्हों तो कोई उम्मीद ना रखियो, पहला चेक कर चुके इन्हों, सुखबीर बादल वह तो बेचारा चलो छोड़ो कि चलो जहा जहा है चलो जिन्ना क है वह तुरै फिर किसी रोड़ा रूड़ा नहीं मारता, चलो है ना तुरै फिर है ना, वो पता ही नहीं की कहता, कहता कल भी गल दसी भी विरोध करी जाता जिहड़ा टाइम बदलिया, कहता यदा मतलब साढ़े घर हूँ लेडीज जिहड़ियां ने जनानियां 2:30 बजे उठ्या करनगियां, लै जिन्हों 2:30 तो 2:30 का नहीं पता वह की चला लूगा पंजाब नूं यार, दसो 2:30 बजे दसो, ये ने जी वो उन्हां तो कोई उम्मीद ना करो, वो कांग्रसी ने उन्हां दा ऊ नहीं पता भी किन्ने धड़े ने, कई कांग्रसी तो यहोजे ने जिहड़े मतलब बस कल्ले यही देखना भी वह किधर जांदा है वह क्यों जांदा है इहनूं किवें हराइए इहनूं किवें सिटीए इन्हां कम्मां ते लगे है। सो मैं मेरे बारे बोली जाण जिन्ना बोली जांदे ने, इह तां कहिंदे पहलां देखो किवें बदले ने, पहलां कहिंदे सी नो 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 आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती, जदों रिजल्ट जे आने लगे 60-65 ही आनगियां ज्यादा नहीं आदि इन्हों, जदों 92 आ गई आ तो गई 3 महीने चलनी नहीं, तो जो 3 महीने चल भी बिजली नहीं फ्री कर सकते, जो बिजली फ्री करती नौकरियां कितों देंगे, जो नौकरियां देन लग गए हुण तो सीधे ही रौले ते आ गए, मैं नहीं मैं क्यों चलाई जाते ने हर गल करी जाते ने, बस आ फर्क है इन्हों की करिए रोज़ मेरे को वीडियो आउंदियां ने, कदें कोई रोई जांदा हुंदा कदें कोई, ठीक है ना। सो इन्होंने सोचा सी कि पता नहीं साडा ही राज चलूगा, पर लोग ने बई लोगों ने बड़े बड़े घराने वेले करते घराने जिहड़े जिंदगी च कहिंदे सी हारना नहीं सानू हरा नहीं सकदा कोई ओ बैठे ने। सो वाह जी कमाल करती लोगों ने, ये लोगों की शक्ति है, बैठ जाओ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, चलो बहुत अच्छे बहुत ताड़िया मार दो ताड़िया मार दो। ये तो हुण आ जिहड़ी पड़ास है ये पड़ास तो झाड़ू वाला बटन दब के निकलू हुण बस, सो छेती तो छेती थोनू मौका मिलेगा। देखो शहीदां दी सोच उन्होंने सानू मुल्क लैके दिता, उन्हां करके MLA बने, उन्हां करके जिला परिषदां दे मैंबर बनदे आ, उन्हां करके असीं मंत्री बनदे आ, मुख्यमंत्री बनदे आ, प्रधानमंत्री बनदे आ, ते उन्हां दे नां ते कुछ भी नहीं, उन्हें नां ते कोई चीज़ भी नहीं रखते,
मोहाली वाला जिहड़ा एयरपोर्ट है उहदा नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपां ने रखा जी मोहाली वाले का। जिहड़ा हलवारे बना रहे हां लुधियाने दे नेड़े उहदा नाम शहीद करतार सिंह सराभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करांगे जी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ। ਲੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, लोग गाला कढ़न लग गए पिंडां च वड़न नहीं दिंदे, उदों अस्तीफा देना पिया जनाब। मैनूं तां पता है, मेरा तां उत्थे रोज़ पेचा पैंदा रहिंदा सी उत्थे पार्लीमेंट च, तुसीं देखदे हुंदे सी। हुण जिस तरह रिंकू ने कहा पहला मौका मिलिया सी संगरूर नूं मालवे नूं भी संगरूर वालिआं ने भी इनकलाबियां ने कमाल करती भी उह भगवंत मान उत्थे भेजता 19 च लै कल्ले ही गाह पाई फिरदा कल्ले ही खिची फिरदा कम नूं। ते मैनू हुण जिम्मेवारी मेरी तुसीं इधर लाती आप ही हुण तुसीं मुख्यमंत्री बना के मैनू इधर जिम्मेवारी लाती मेरी, ते हुण उत्थे सीट वेली हो गई। ते हुण मौका हैगा जलंधर वालिआं कोले, तुहाडे कोले, लोक सभा वालिआं कोले, उस सीट ते रिंकू बैठे अगे बोलना किवें आ ते पैसे किवें लाउणे आ इहदे सारे भेत सारे पासवर्ड मैं इहनूं दस दूंगा। वो मेरे ते छड्ड दो तुसीं, वह मेरे ते छड्ड दो भी तुहानूं इह पता लगू कि MP की हुंदा है, MP ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MP ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ MP ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆਓ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀਰੋ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਲ ਲਏ ਲੀਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਬਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਤੀ, ਆਹ ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇਖੀ ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੂਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਕੋਲੇ ਸੋਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਬਸ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਬਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ।